अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर वो फ़ैसले किए जाते हैं या वो चीज़ें की जाती हैं जिनसे लोगों तक हकायक पहुंचने का असल रास्ता जो है वो बंद किया जाए। जैसे आपने देखा कि हाल ही में ये फ़ैसला किया गया कि आप अदालत की कवरेज नहीं करेंगे, आप अदालती उमूर लोगों तक नहीं पहुँचाएँगे। इस पर जस्टिस आमिर कियानी ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप मेरी अदालत को लाइव करें, मेरे केसेस को जो है वो लाइव करें और मिसिंग पर्संस के हवाले से सारे केसेस लाइव दिखाए जाएंगे। फिर आपने देखा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और इलेक्शन से लेके आज के दिन तक आपने पाकिस्तान में ट्विटर सर्विसेज को बंद कर रखा है। आज के दिन तक ट्विटर नहीं चल रहा, वजह क्या है? पंजाब में आप डिफेमेशन ला लेकर आ गए। मरियम नवाज़ कहती है कि हम 30-30 लाख रुपए जुर्माने करेंगे और तमाम सहाफ़ी बिरादरी इस वक्त एहतजाज कर रही है, तमाम सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है कि जुर्म साबित होने से पहले आप किसी को सज़ा कैसे दे सकते हैं, मगर वो कहते हैं कि 30 लाख रुपए पहले टेबल पर रखें, फिर केस चलेगा और उसके बाद तय होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। आप अब अगली खबर सुने जो मैं कह रहा हूँ कि दिल थाम लें और नाकाबिले यकीन खबर वाला मामला क्या है। एक जाने पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स को कोई नहीं देखता, फिर जिस तरह की वो सहाफ़त कर रहे हैं वो भी एक मसला है, फिर उनको सहाफ़त करने भी नहीं दी जा रही। आप देखें इमरान खान के केसेस इस वक्त टॉप प्रायोरिटी हैं, अगर टीवी चैनल वो चलाएगा ही नहीं, तस्वीर ही नहीं चलाएगा, इमरान खान का नाम ही नहीं चलाएगा, तो लोग टीवी चैनल्स को क्यों देखेंगे? अब लोगों को कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं? लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डिफेमेशन का लॉ लाएं या कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दें, उससे होगा क्या? मसला यह है कि आप चाहते हैं कि लोगों तक हकीकत नहीं पहुंचनी चाहिए। पूरे मीडिया चैनल्स को हमने रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी बना दिया है। अब खबर इस वक्त यह है कि हम ट्विटर तो नहीं खुलवा सके, लेकिन हमने कामयाबी से एक नया तमाशा लगाने का फैसला किया है और वो फैसला यह है कि पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर आइंदा चंद हफ्तों में यूट्यूब और फेसबुक पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, और ये पाबंदी ऑफिशियली नहीं होगी। जिस तरह आपने देखा ट्विटर पर गैर ऐलानिया पाबंदी लगा दी गई, अदालतें पूछ रही हैं कि क्या वजह है, लेकिन अदालतों को कोई जवाब नहीं दे रहा। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी है, सिंध हाई कोर्ट में भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, जबकि काजी साहब पहले ही सोशल मीडिया से नाराज़ हैं और वो कहते हैं कि हर आदमी यहाँ जर्नलिस्ट बन जाता है और कैमरा और फ़ोन पकड़ लेता है, फिर हमारे सहाफ़ी जिनका रिस्क लगा हुआ है उन्हें भी सोशल मीडिया से खौफ आता है। सलीम साफ़ी ने आज एक मज़मून लिखा, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर सोशल मीडिया का अजाब नाजिल किया, इसकी वजह से पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से हर फर्द सहाफ़ी बन गया। हुजूर ये मसला नहीं है, आप भला अजाब क्यों कह रहे हैं? आप हमेशा ताकतवरों और हकूमत का मौकफ सामने रखते आए हैं, अब लोग दूसरी तरफ चले गए और लोगों तक हकायक पहुँचते हैं, अब उसको आप रोक नहीं सकते। अब ये जो खबर आई है कि यूट्यूब पर बिलखसूस और फेसबुक दोनों पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है, ये पाबंदी लगाएगा कौन? क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत लगाएगी? शहबाज शरीफ की हुकूमत तो शायद अपने ऊपर भी पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं रखती। अगर उनका दिल करे ना कि हमने अपने आप पर पाबंदी लगानी है, तो उनके पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो अपनी खुशी से अपने ऊपर कोई पाबंदी लगा सकें। अब फ़खर दुरानी जियो न्यूज़ पर बैठते हैं, आजकल फैसला साजों के बड़े करीब हैं और वो मौक़ भी उनका पेश करते हैं, उनका जो पाकिस्तान में असल इक्तदार के मालिक हैं जिनके पास तमाम इख्तियारात हैं। आजकल यही तासुर इस सहाफ़ी के बारे में है कि वो कंपनी सरकार के बड़े क्लोज़ हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि आइंदा चंद रोज़ में ये चीज़ हो सकती है, अगर हो भी जाए तो इससे क्या होगा? क्या पाकिस्तान का 18 से 35 साल का नौजवान जो एक बड़ी तादाद में है, इस आबादी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं हमेशा आपको कहता हूं कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान में एक केस टू स्टडी है। जब रियासत का पूरा निज़ाम, जब मीडिया का निज़ाम, पूरे का पूरा निज़ाम एक तरफ था और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोगों ने उलट पलट के रख दिया। अब इंडिया में केजरीवाल कहता है कि देखें आपने इमरान खान की पार्टी तोड़ दी, आपने उसका इंतखाबी निशान छीन लिया, उसके बावजूद इमरान खान जीत गया और इंडिया के इलेक्शन में इमरान खान का हवाला दिया जा रहा है। फिर वो इलेक्शन कमीशन जिसने बदतरीन इलेक्शन करवाया, उनकी जानिब से चारों सूबों के इलेक्शन कमिश्नर्स को एक मुरासला लिखा गया है और उनको एक मुरासले के ज़रिए खुशखबरी सुनाई गई है कि जो इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन हैं
उनको तीन बुनियादी तनख्वाहों यानी जो बेसिक सैलरी है उनकी उसके बराबर इजाजिया या बोनस दिया जाएगा। किस बात का ये दे रहे हैं कि लोगों का जो मैंडेट आप लोगों ने चोरी किया है, फार्म 45 की बजाय फार्म 47 का जो तमाशा लगाया उस पर या पाकिस्तान के लोगों के साथ ये मजाक करने पर, एक ऐसा इलेक्शन बताएं जो इलेक्शन कमीशन ने ठीक कराया हो और इस दफ़ा तो हद ही कर दी है। हाँ, ये आपको बोनस मिल सकता है कि बिल्कुल आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें छीनी, आप एक पार्टी की तरह बिहेव करते दिखाई दिए, आपने तहरीक इंसाफ से सीटें छीन के मुस्लिम लीग नून की झोली में डाली और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आपसे वो मखसूस नशिस्तें वापस ले लीं। यकीनन ये आपका एजाज़ होना चाहिए, इसका आपको इनाम मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपकी अपनी आइनी या कानूनी जिम्मेदारी है, इस हवाले से आपको आपकी कोई भी औकात जो है वो अच्छी दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ अब मुस्लिम लीग नून भी मान रही है, जिस तरह उस दिन नवाज शरीफ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि देखें आपके सामने मुल्क के वज़ीर आज़म को डिसक्वालीफाई किया गया, आप बाहर नहीं निकले। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मियाँ साहब आपके लिए कौम इसलिए किस लिए निकलती, कौम लीडर्स के लिए निकलती है, कौम डीलर्स के लिए नहीं निकलती। जिनके लिए कौम निकले वो डीले मारें और बाहर चले जाएं, कौम लीडर्स के लिए निकलती और हमेशा निकलती आई है और हमेशा निकलेगी। अब राणा सनाउल्ला नईम अशरफ भट्ट के साथ गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी तारीफ की। राणा सनाउल्ला कह रहे थे कि इमरान खान की इस बुनियाद पर तारीफ करता हूँ कि इमरान खान ने मुज़ाहमत की है और इमरान खान ने स्टैंड लिया है। और एक और बात भी उन्होंने मान ली कि ना इमरान खान का वजूद हम ख़त्म कर सकते हैं ना वो हमारा ख़त्म कर सकते हैं। ये अलग बात है कि पहले यही कहते थे कि हम में से एक रहेगा। फिर उन्होंने एक और गवाही दी, उन्होंने कहा कि पीटीआई को हालिया रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। राणा सनाउल्ला ने पहले भी कहा था कि जितने केसेस बने हैं अगर कोई जज भी मेरिट के ऊपर सुनेगा तो केस सस्टेन नहीं हो पाएगा। ये सस्टेन वाले अल्फाज उन्हीं के हैं, तो उनको अंदाज़ा है कि इन केसेस में जान नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से नफरत वाला मामला नहीं रखता। फिर परवेज़ इलाही की भी उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि मेरा नहीं ख्याल था कि चौधरी परवेज़ इलाही इतना डट जाएंगे, लेकिन वो अपने लीडर के साथ खड़े रहे और उन्होंने मज़ाहमत की। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ दे भी दें तो फिर हम जेलों में होंगे। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि अगर इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो ज़ाहिर है वो हम सब को वो जेलों में डाल देंगे। तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और अच्छी बात है कि फजलुर रहमान वाला इत्तेहाद बन जाए, उसके बाद हम इनके साथ बातचीत करेंगे। फिर नाज़रीन इकराम एक और डेवलपमेंट हुई है। आज से दो तीन दिन पहले आपने देखा कि तहरीक इंसाफ का जो सेंट्रल सेक्रट्रेट है वो गिराया गया और वहाँ पर जो CDA डिपार्टमेंट इस्लामाबाद है उसने कार्रवाई की और कहा कि ये गैर कानूनी जगह है। आपको पता है कि CDA किसके तहत आता है, ज़ाहिर है वो वज़ारत दाखिला के मतहत आता है और आपको पता है कि वहाँ पे वज़ीर कौन है, मोहसिन नकवी है। और आपको ये भी पता है कि CDA का चेयरमैन कौन है, जट बिरादरी से रंधावा साहब। वो लाहौर से इनको लेकर गए हैं, जब इमरान खान का घर लाहौर में गिराया गया था जब पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे तो उस वक़्त वो DGLDA भी थे और कमिश्नर लाहौर थे। अब वही रंधावा साहब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं और वो CDA वाले भी हैं। लेकिन असल रंधावा साहब की खबर नहीं है जो आपको देनी मकसूद है, आपको मोहसिन नकवी की खबर देनी है। फवाद शहबाज जो जर्नलिस्ट हैं उनकी खबर है कि जिस दौरान इमरान खान की पार्टी का सेंट्रल सेक्रेटरीट गिराया जा रहा था उस दौरान एक अहम मुलाकात मुबैना तौर पर मौलाना फजलुर रहमान से हो रही थी। अब मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात थी वो शहबाज शरीफ हुकूमत की मुलाकात नहीं समझी जाएगी, वो किसी और के हवाले से थी। अब मौलाना ने अभी कल भी गुफ्तगू की, बड़ी तगड़ी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मुल्क से तो चला जाऊंगा लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी नहीं करूंगा। अब खबर ये है, जो अहम खबर है, कि मोहसिन नकवी और फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात की क्या वजूहात हो सकती हैं, कोशिश ये है कि इमरान खान और फजलुर रहमान का इत्तेहाद ना हो पाए। चाहे मौलाना को कुछ भी ऑफर करनी पड़े, उसकी वजह यह है कि अगर ये इत्तेहाद हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात खड़ी होंगी और ज़ाहिर है कि इन पर डंडे बरसाना काफ़ी मुश्किल है। चलें तहरीक इंसाफ पर डंडे बरसाना तो थोड़ा आसान है। आपको याद होगा 25 मई को आज से दो साल पहले क्या कुछ हुआ था जब तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च शुरू किया था और हमने देखा कि फिर लाहौर में किस तरह से गाड़ियाँ तोड़ी गईं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी कैसे तोड़ी गई, दूसरी जानब
यास्मीन राशिद का बताता चलूं कि वो अभी भी हॉस्पिटल में दाखिल हैं लाहौर में। उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा है कि मुझे जेल वापस भेज दें, मेरा हस्पताल दिल नहीं लगता, जेल मेरा दूसरा घर है। लेकिन डॉक्टर्स ने उनका एंटीबायोटिक का कोर्स मुकम्मल कराने के लिए 2 दिन की इजाज़त ली है कि अभी उनको हॉस्पिटल रखा जाए। अब अगर मोहसिन नकवी और फजल रहमान की मुलाकात हो रही है तो कहा जा रहा है कि ये हुकूमत नहीं बल्कि कोई और मौलाना को इंगेज कर रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त परेशानी क्या है और हुकूमत को आने वाले चंद दिनों में क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। तो ऑल इज़ नॉट वेल। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।